जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ आगे सितंबर में शेड्यूल है, तो उसके हवाले से नई इतलात मिल चुकी हैं। और इतलात ये मिली हैं कि न्यूजीलैंड ने 11 सितंबर को पाकिस्तान लैंड होना है और उसके बाद वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर देंगे और मेरे ख्याल से 17 सितंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच का बाकायदे तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो बात कर चलें अगर क्राउड की, तो क्राउड 25% क्राउड अलाउड होगा खेलने के लिए यानी देखने के लिए, जिसमें सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो कि कोविड वैक्सीनेटेड हैं। जी हाँ, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, दूसरी डोज यानी कि नहीं लगवाई हुई, ना ही पहली डोज लगवाई हुई, तो उनका अंदर दाखिला मना होगा और सिर्फ वही बंदे जा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई है। और बात कर चलें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाकायदा तौर पर 10 सितंबर से ही स्टेडियम में अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देगी, प्रैक्टिस मैचेस यानी कि खेलें और बाकायदा तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगी। और बात कर चलें अगर हम न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम की, तो उसमें अभी तक यही इत्तला मिली है कि उनकी जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं आएंगे IPL की वजह से, क्योंकि IPL आपको पता है, दूसरा जिस तरह PSL दो हिस्सों में हुआ है, तो वो भी IPL भी दो हिस्सों में हो रहा है, उसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ज़्यादातर शामिल हैं, तो वो पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे। मेन प्लेयर्स है यानी कि केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, जिमी नीशम, कार्ल जिमिसन, मिचेल सेंथनर, उम्मीद है कि वो टीम की कप्तानी संभालेंगे। और उसके बाद ये चंद प्लेयर्स हैं जो यानी कि हमें दिखाई नहीं देंगे पाकिस्तान टूर में। लेकिन अगर बात कर चलें कुछ बड़े प्लेयर्स की, मुनरो और गप्तिल, वो हमें अवेलेबल होंगे टूर के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ जो न्यूजीलैंड के नए प्लेयर्स हैं वो अगर आएंगे और तो बाद में वो अपने साथ कुछ और प्लेयर्स को भी T20 या PSL खेलने के लिए बाद में लाएंगे। तो जिस तरह अब हमारे पास इस साल गप्तिल और मुनरो आए थे, तो उम्मीद करते हैं अगले साल ट्रेंट बोल्ट वगैरह भी हमें अवेलेबल हों PSL में और एक अच्छा खेल देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से शेयर कर दें। और हाँ, ये जो मैं नई एडिटिंग कर रहा हूँ, आपको ये अच्छी लग रही है या अगर पुराने वाली है, या पुराने वाली अगर आपको ठीक लग रही है तो बता दें, मैं वही दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा।